समुद्र की आत्मकथा। बच्चों, क्या आपको कभी समुद्र देखने का अवसर मिला है? इसके किनारे खड़े होकर देखने पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, एक विशाल जल राशि जिसका कहीं अंत ही ना हो। आओ, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। लोग मुझे समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, उदधि आदि अनेक नामों से जानते हैं। मैं पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर फैला हुआ हूं। मैं इतना गहरा हूं जिसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। लोग कहते हैं कि मेरी गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर है। मेरी सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना ट्रेच में पाई जाती है। पूरे विश्व में फैले महासागर को लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। अलग अलग स्थानों पर लोगों ने मेरे अलग अलग नाम जरूर रख दिए हैं, लेकिन हम सभी महासागर आपस में जुड़े हुए होते हैं। मेरे जन्म का इतिहास अरबों वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण गैसों और धूल कणों के मिश्रण से हुआ है। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसी हल्की गैसें पिघल गईं और पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में वाष्प के रूप में छा गईं। धीरे धीरे संघनन प्रक्रिया होने से बारिश हुई और यह पानी पूरी पृथ्वी पर फैलने लगा। ये पानी पृथ्वी के निचले और गड्ढे वाले हिस्से में एकत्र होता चला गया। परिणाम स्वरूप मेरा जन्म हुआ। वैसे मेरे जन्म के विषय में वैज्ञानिकों में मतभेद है। वैसे तो मेरी उपयोगिता के विषय में थोड़ा बहुत तो आप सभी जानते ही होंगे। आओ, मैं तुम्हें कुछ विस्तार से बताता हूं। मैं वायुमंडल में गैसों के प्राकृतिक संतुलन में सहायता प्रदान करता हूं। मेरे बिना पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। मेरे अंदर ऐसा खजाना छिपा हुआ है जिसके लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका उदाहरण है प्राचीन युग में देवताओं और असुरों द्वारा किया गया समुद्र मंथन। मेरी धाराएं कुछ इस प्रकार चलती हैं कि समुद्री तल से पोषक तत्व ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ये पोषक तत्व मेरे ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जीवों और सूक्ष्म समुद्री पौधों फाइटोप्लैंक्टन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। फाइटोप्लैंक्टन हमारे अंदर खाद्य श्रृंखला का आधार हैं। ये बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडल में प्राकृतिक गैसों का संतुलन रहता है। यदि ये पौधे अपना कार्य भली भांति ना कर पाए तो वायुमंडल में प्राकृतिक गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव मानव जीवन के अस्तित्व पर पड़ेगा। मैं जिस देश का हिस्सा हूं उस देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता हूं। यही नहीं, मेरे अंदर नौकरियों का खजाना भी छिपा हुआ है। खेती लायक भूमि में लगातार कमी होती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या और खाद्य संकट से आने वाले दिनों में सी फूड पर पूरी दुनिया की खाद्य निर्भरता होगी।